हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एजी बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे सिलेक्शन। पिछली बायोलॉजी क्लास में हम समूह चयन का अध्ययन कर चुके थे और आज हम शुद्ध वंशक्रम चयन का अध्ययन करेंगे, प्योर लाइन। चयन क्या है, आपको पहले बताया गया था कि चयन किसी समष्टि में से उत्कृष्ट लक्षण प्रारूप वाले पौधों को छांटना तथा उनसे अगली पीढ़ी उगाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, चयन कहलाता है। और चयन नई पादप किस्म विकास का चरण का एक बिंदु है। पहला बिंदु था आनुवंशिक विविधता उत्पन्न करना और उसके बाद में चयन। और चयन क्रिया में हम पहला समूह चयन अध्ययन कर चुके थे, आज शुद्ध वंशक्रम चयन का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये आरेख बना हुआ है। इस आरेख में देखेंगे, जैसे पहला प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष ये द्वितीय वर्ष है, और ये तृतीय वर्ष, ये चतुर्थ वर्ष से, छठा वर्ष और ये सातवां वर्ष। शुद्ध वंशक्रम चयन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या है, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वपरागित पौधे होते हैं उनकी समयुग्मज, स्वपरागित पौधे होते हैं उनकी समयुग्मज जो संततियां हैं उनको क्या कहा जाता है, शुद्ध वंशक्रम चयन को बोलते हैं। कि जो स्वपरागित पौधे हैं, जो उनकी जो संततियां होती हैं उनको एक प्रकार से क्या कहा जाता है, शुद्ध वंशक्रम चयन बोलते हैं। कि जो स्वपरागण से जो संततियां बनती हैं, जिनमें क्या हो स्वपरागण, और स्वपरागण के बाद में जो एक प्रकार से क्या बनेगी, संततियां बनेंगी, उन्हें कहा जाता है शुद्ध वंशक्रम चयन। ये शुद्ध वंशक्रम चयन का एक आरेख है। इस आरेख में एक प्रकार से प्योर लाइन यानी शुद्ध वंशक्रम होने में एक प्रकार से 6 से 7 वर्ष का समय लगेगा। कि जो शुद्ध वंशक्रम वाली संततियां प्राप्त करेंगे, कि इसका उपयोग क्या है, कि इसके द्वारा किसी प्रजाति के लक्षणों में सुधार किया जा सकता है, अर्थात शुद्ध वंशक्रम वाली किस्में विकसित की जा सकती है। ये शुद्ध वंशक्रम चयन का मुख्य उद्देश्य है कि इसके द्वारा किसी फसलों के लक्षणों में क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। तो पहले वर्ष की बात करें, प्रथम वर्ष की बात करें, तो प्रथम वर्ष में किसी विविधतापूर्ण समष्टि में से 200 से 2000 उत्तम लक्षण वाले पौधों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। कि कोई भी समष्टि होती है विविधतापूर्ण समष्टि, कि जिसके अंदर अनेक प्रकार के क्या है, पादप हैं, उनमें से 200 से 2000 उत्तम लक्षण वाले पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। कि उनमें से कि जो अच्छे पौधे होते हैं उनमें से एक प्रकार से 200 से 2000 पौधों का क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसके बाद में क्या किया जाता है, चयन किए गए पौधों के बीजों को अलग अलग एकत्रित करना। कि जो किसी विविधतापूर्ण समष्टि में से जिन पौधों का क्या किया है, चयन किया है, और चयन किए गए पौधे हैं उनके बीजों को अलग अलग एकत्रित किया जाता है। कि आपने समूह चयन में क्या किया, कि एक जगह मिला लेते हैं, जबकि इनको अलग अलग एकत्रित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में चयन किए गए पौधों के बीजों को एकल पादप संततियां उगाना। अगले दूसरे वर्ष में क्या करेंगे, कि जो चयन किए गए पौधों के बीज हैं उनसे एकल पादप संततियां उगाना, ये आपको ध्यान रखना है। कि इस प्रकार का चिन्ह आता, आपको पहले बताया गया था, यदि इस प्रकार का चिन्ह आता है तो एक ही बात याद रखें, एकल पादप संततियां उगाना, आपको ध्यान रखना है। कि यदि इस प्रकार का चिन्ह आए तो आपको बताना है एकल पादप संततियां उगाना। तो यहां आपने क्या लिखा, कि चयन किए गए पौधों के बीजों से एकल पादप संततियां उगाना। संततियों का दृष्टि मूल्यांकन करना, कि जो संततियां हैं उनका यहां पर एक प्रकार से दृष्टि मूल्यांकन किया जाता है, या एक प्रकार से उनमें से क्या करते हैं, कि जो उत्कृष्ट पौधे होते हैं उनको छांट लेते हैं, और उनमें से जो निकृष्ट होते हैं, जो अवांछित पौधे होते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। केवल
श्रेष्ठ पौधे हैं, उत्कृष्ट पौधों का क्या कर लेते हैं, संरक्षण कर लेते हैं। ये कौन से वर्ष की बात है, एक प्रकार से दूसरे वर्ष की बात है, अर्थात संतियों का क्या किया जाता है, दृष्टि मूल्यांकन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला बिंदु तो आपको ध्यान रखेंगे कि एकल पादप संतति होगा ना, और उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, दृष्टि मूल्यांकन किया जाता है। तीसरे वर्ष की बात करें कि तीसरे वर्ष में चिन्ह आते आप समझ गए कि उन्नत संतियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण करना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो उन्नत संततियाँ हैं उनका क्या किया जाता है, प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है। अर्थात उपज परीक्षण में उसकी उपज है, उसकी गुणवत्ता है, उसकी रोग रोधिता है आदि का क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। ये कौन से तीसरे वर्ष की बात है, अर्थात प्रचलित उन्नत किस्मों का मानक रूप से उपयोग करना, ये भी एक प्रकार से कौन से वर्ष में होता है, तीसरे वर्ष में। उसके बाद में चौथे वर्ष से छठे वर्ष की यदि बात करें तो इस प्रकार का चिन्ह देखते हैं आप समझ गए कि समन्वित उपज परीक्षण करना आपको पहले बताया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे उन्नत संततियों का समन्वित उपज परीक्षण करना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ क्या करेंगे, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है और साथ ही रोग रोधिता एवं गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है, मुख्य रूप से उसकी रोग रोधिता और गुणवत्ता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। याद रखें पहली बात तो आपको ध्यान है कि समन्वित उपज परीक्षण करना, दूसरी बात यदि बात करें कि रोग रोधिता एवं गुणवत्ता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, ये चतुर्थ से छठे वर्ष की बात है। उसके बाद में सातवें वर्ष में विमोचित किस्म के बीज हैं उनका गुणन करेंगे, गुणन का मतलब उनकी संख्या, उनको उगाकर उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और वितरण में उनको क्या किया जाता है, एक प्रकार से किसानों तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे एक प्रकार से क्या बोलते हैं, वितरण बोलते हैं। अर्थात ध्यान रखें कि विमोचित किस्म के बीज क्या होते हैं, कि रिलीज जो नई किस्म के बीज हैं, अर्थात उनको उगाकर उनकी संख्या बढ़ाना एक प्रकार से क्या कहलाता है, गुणन कहलाता है, और उनको एक प्रकार से किसानों तक पहुँचाना एक प्रकार से उन्हें क्या कहा जाता है, वितरण। तो ध्यान रखना है कि जो शुद्ध वंशक्रम चयन के अंदर जो सौ परागित फसल होती है उसकी जो प्रजातियां होती हैं उन्हें शुद्ध वंशक्रम बोलते हैं। इनमें क्या क्या किया जाता है, स्टेप आपको ध्यान रखना है कि स्टेप में पहले आरे कैसे ध्यान रखें वो भी आपके दिमाग में याद रहे, कि पहले किसी समष्टि में से पौधों का चयन करेंगे, उसके बाद में एकल पादप संतियां उगाएंगे, उसके बाद में प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है, अंत में क्या करते हैं, गुणन और वितरण। उसके बाद में चिन्ह याद रखें, आपको ओनली चिन्ह याद रखें कि पहले आपने आरेख याद रख लें, कि इसको किस प्रकार से याद रखें कि आपको किसी समष्टि में से पौधों का चयन करना, प्रारंभिक उपज यानी एकल पादप संतति उगाना, उसके बाद में प्रारंभिक उपज परीक्षण, उसके बाद में समन्वित उपज परीक्षण और उसके बाद में गुणा वितरण। यदि इस साइड में आप लिखें क्या, तो आप पहली बात अपने देख के खुद लिख सकते हैं कि किसी समष्टि में से 200 से 2000 उन्नत पौधों का क्या करेंगे, चयन करेंगे। चयन करने के बाद उनके बीज होते हैं, उनके बीजों को अलग अलग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, और उसके बाद में इस कंडीशन में आप देख के लिख सकते हैं इसमें साइड में क्या लिखना है, आप चिन्ह देख के आप समझ गए कि एकल पादप संतियां उगाना। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट खुद बना सकते हैं कि उनमें से उन्नत पौधे होते हैं उनका क्या करेंगे, चयन करेंगे, और निकृष्ट पौधों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। और उसके बाद में ये वाला चिन्ह देख के आप समझ गए कि प्रारंभिक उपज परीक्षण का करना। उपज परीक्षण में ये पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कि रोग रोधिता एवं गुणवत्ता का क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, और इस चिन्ह में आपको क्या लिखना है, समन्वित उपज परीक्षण करना, और साथ ही रोग रोधिता गुणवत्ता का क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, और अंत में क्या किया जाता है, गुणन और वितरण। तो ये था चयन, और चयन के दो बिंदु थे, समूह चयन और शुद्ध वंशक्रम चयन, जिनका अध्ययन कर चुके हैं। इससे आगे का टॉपिक का अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।